पाटी थाने में पदस्थ तीन प्रधान आरक्षक व दो आरक्षकों का हुआ तबादला। स्टाफ ने श्रीफल व माला पहना कर दी विदाई पाटी। पुलिस अधीक्षक श्री निमिष अग्रवाल द्वारा प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 197 अ में दिए निर्देश अनुसार पाटी थाना में पदस्थ तीन प्रधान आरक्षक व दो आरक्षकों का स्थानांतरण किया है। पांच पुलिस कर्मियों द्वारा पाटी थाना के बाद अब अलग अलग थानों में जाकर सेवाएं देंगे। थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अनिल दसौंधी पिछले 3.5 साल से पाटी थाने में सेवा देकर अब ग्रामीण थाना सेंधवा में सेवा देंगे। प्रधान आरक्षक दिलीप मुवेल पिछले 2.5 साल से पाटी थाने में सेवा देकर अब ग्रामीण थाना सेंधवा में अपनी सेवा देंगे। इसी तरह प्रधान आरक्षक कृष्णा कुमार आर्य पाटी थाने में 3.5 साल से अपनी सेवा दे रहे थे, अब ग्रामीण थाना सेंधवा में अपनी सेवा देंगे। आरक्षक सुरेश पाटीदार द्वारा 2.5 साल से पाटी थाना में सेवा देकर अब थाना पलसुद में अपनी सेवा देंगे। इसी तरह आरक्षक कुंवर सिंह चौहान द्वारा 3 साल से पाटी थाना में सेवा देकर अब थाना पानसेमल में अपनी सेवाएं देंगे। इस अवसर पर थाना प्रभारी सीएस राठौर, एएसआई आशिक खान सहित थाना स्टाफ द्वारा पांचों पुलिस कर्मियों को शाल, श्रीफल व माला पहनाकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदाई समारोह दी। इस दौरान थाना स्टाफ सहित पत्रकार मौजूद रहे। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ पे जो भी थाना प्रभारी रहे, स्टाफ रहे, जो उनका व्यवहार रहा, तो आगे भी रहा। मैं आपसे भविष्य करना चाहता हूँ।